ये है ट्रिपल आर मूवी का बिहाइंड द सीन्स, आई मीन ये मूवी कैसे बनाया गया था, उसके शूटिंग एंड वीएफएक्स सीन्स। यश राजामौली द्वारा डायरेक्टेड इस ब्लॉकबस्टर मूवी को आपने जरूर देखा होगा, जहां पे लीड रोल में है रामचरण जो राम की कैरेक्टर में और जूनियर एनटीआर जो भीम के कैरेक्टर में दिखाई जाते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में अंग्रेज जनरल स्कॉट हीरोनों को शिकार करके लाता है, जो एक्चुअल में वीएफएक्स की हेल्प से बनाया गया था। फिर नेक्स्ट सीन में रामचरण को पुलिस ऑफिसर की गेटअप में एक आंदोलन पर दिखाया गया था। यहाँ पे ये जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशन है वो भी वीएफएक्स द्वारा अच्छे से दिखाया गया था। दूसरी ओर फिल्म के अनदर कैरेक्टर भीम को एक रॉयल बंगाल टाइगर के साथ लड़ते हुए दिखा गया था, जो एक्चुअल में इस तरह एक ब्लू ड्रेस पहने हुए व्यक्ति के साथ शूटिंग किया गया था एंड बाद में सीजी द्वारा टाइगर को दिखाया गया है। मूवी का दूसरी एक इंटरेस्टिंग सीन है ये सीन को शूट किया गया था ऐसी एक वाटर टैंक बनाकर एंड बैकग्राउंड में इसी तरह ब्लू कलर का स्क्रीन से घिरे। मूवी का ये सीन शूट करने के लिए छोटा सा एक ट्रेन का मॉडल बनाया गया था एंड वो रियल तरीके से विस्फोट किया गया था। आफ्टर दैट सीजी एंड वीएफएक्स द्वारा वो सीन को स्क्रीन पर दिखाया गया है। मूवी का ये ब्रिज भी सीजी द्वारा क्रिएट किया गया था, लेकिन राम और भीम का जो शूटिंग अलग से की जाती है रामोजी फिल्म सिटी में, जो बाद में ये सीजी द्वारा बनाई गई ब्रिज पर दिखाया गया था। तभी से राम और भीम के बीच दोस्ती हो गई एंड उन्हें अलग अलग जगहों पर एक साथ देखा जाता है, जो एक्चुअल में इसी तरह से शूटिंग की गई थी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मूवी का ये सीन में भीम को रस्सी से बांध कर कोड़े मारे गए थे, जिसका वीडियो सीन आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे सीजीआई एंड वीएफएक्स का काफी यूज है, यहां तक कि भीम के मुख पर ये उड़ते हुए पत्ते भी सीजीआई द्वारा क्रिएट किए गए हैं। मूवी का ये इंटरेस्टिंग सीन आपको याद होगा, जहां पे भीम ने अपने काबिले की बच्ची को लाने के लिए ब्रिटिश पैलेस पर ट्रक से हमला कर दिया था। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक रियल नहीं है, जो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर शूट किया गया था एंड यहां पे दिखाई गई सभी एनिमल्स सीजी द्वारा बनाया गया था, यहां तक कि ये ट्रिपल और कार भी सीजीआई की थी। मूवी का ये सीक्वेंस में भीम एक लेपर्ड को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक्चुअल में ऐसे एक बल से शूटिंग किया गया था। एंड दूसरी एक सीन में एक ब्रिटिश ऑफिसर का हाथ ईरान के सिंह में घुसते हुए दिखा जा रहा है, जिसका बिहाइंड द सीन आप यहां देख सकते हैं। मूवी का ये सीक्वेंस में राम और भीम के बीच फाइट सीन में भी बहुत सारे वीएफएक्स यूज किया गया था, यहां तक कि वाटर एंड फायर का सीन भी वीएफएक्स द्वारा क्रिएट किया गया है। साथ ही ब्रिटिश पैलेस में राम की एंट्री सीन में घोड़े भी सीजी द्वारा क्रिएट किया गया था। मूवी का धमाकेदार क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस एक विशाल जंगल में शूट किया गया था, जहां शूटिंग के लिए असली आग लगाई गई थी
लेकिन यहाँ दिखाए गए सभी पेड़ असली नहीं है। सीन को शानदार दिखाने के लिए असली पेड़ों के बगल में सीजी पेड़ भी क्रिएट किया गया है। ब्लू स्क्रीन स्टूडियोज में शूट किए गए कुछ सीन को इस जंगल में VFX द्वारा दिखाया गया था, यहाँ तक कि इस सीन में बुलेट बाइक को भी CG की हेल्प से दिखाया गया था, जिसके पीछे ऐसी बाइक के बेसिक मॉडल बनाकर शूट किए गए थे। तो गाइस, RRR मूवी के BTS देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और इसी तरह मूवी BTS देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।